लोग बड़ी जोर शोर से 2024 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं कि भाई सर कैसे तैयारी करें, पूरे साल भर नहीं पढ़े हैं, लास्ट में उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो पहले आपको पता होना चाहिए इसका ब्लूप्रिंट क्या है, किस सेक्शन में कौन सा क्वेश्चन आएगा और किस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। अपना बोर्ड का सैंपल पेपर आया है उसके बिहार पे, बेसिक और स्टैंडर्ड्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है, उसमें कहीं कुछ चेंजेस नहीं है, दोनों के लिए कॉमन ही बना रहा हूँ कि टोटल जो सेक्शंस हैं बच्चों 5 सेक्शंस हैं। ए जो है आपका एमसीक्यू, बी आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, सी आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, डी आपके 4 मार्क्स एम मतलब मार्क्स, और ई आपका केस बेस्ड क्वेश्चन है। नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर मैं बात करें, ए सेक्शन में टोटल आने वाले हैं 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, बी सेक्शन में जो टोटल क्वेश्चन मिलने वाले हैं 5 क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको, सी सेक्शन में 6, डी सेक्शन में 4 और ये 3। बी सेक्शन में मतलब टोटल मार्क्स इसके होंगे 10, सी सेक्शन में 18 जो कि 3 मार्क्स का है, डी सेक्शन 4 मार्क्स का है, 4 नहीं ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, तो 20 और ई सेक्शन आपके 12। अब टोटल क्वेश्चन 38 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और टोटल मार्क्स इनको अगर आप काउंट करोगे 80 मार्क्स का आपका ये पेपर होने वाला है, आपके सेक्शन वाइज किस सेक्शन में कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। अब हम डिस्कस करेंगे हर चैप्टर के क्वेश्चन कौन से सेक्शन बन रहे हैं, तो उस हिसाब से तैयारी करना हमारे लिए और ईजी हो जाएगा। आप सभी के लिए मैंने नोट www.dpclasses.com पे हर चैप्टर के बना रखे हैं, वहाँ जाके देख सकते हैं, और वीडियो से समझना चाहें तो वीडियोस आपके सामने हैं, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ा रखे हैं, करा रखे हैं, हर टॉपिक को क्लियर करा रखा है, फिर भी कहीं कंफ्यूज है तो कमेंट जरूर कीजिए, अदरवाइज बात करेंगे। फर्स्ट चैप्टर को लेकर चल रहा हूं, रियल नंबर जो चैप्टर है वो टोटल मार्क्स कितने हैं इस चैप्टर के, 6 मार्क्स। ए सेक्शन में 1 क्वेश्चन मिल रहा है, बी सेक्शन जो कि 2 मार्क्स का है 1 क्वेश्चन वहां मिल रहा है, और सी सेक्शन जो आपके 3 मार्क्स का है 1 क्वेश्चन मिल रहा है। तो इस तरीके से टोटल अगर काउंट करें टोटल क्वेश्चन जो मिल रहे हैं इसमें 3 और टोटल मार्क्स हो गए इसके 5। पॉलीनोमियल मोटा मोटा आपका जो है 3 मार्क्स का चैप्टर, एक क्वेश्चन आपका ए सेक्शन एमसीक्यू में मिलेगा और एक क्वेश्चन आपका बी सेक्शन जो कि 2 मार्क्स का है उसमें मिलेगा, तो टोटल क्वेश्चन ओनली 2 क्वेश्चंस मिलेगा। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, बार ग्राफ के क्वेश्चंस तो आने के बिल्कुल चांसेस नहीं है, और ये चैप्टर टोटल 5 मार्क्स का है। ए 2 क्वेश्चन एमसीक्यू में मिलेगा, एक क्वेश्चन आपका सी सेक्शन जो कि 3 मार्क्स का है इसमें मिल जाएगा, टोटल हो गया 3 क्वेश्चन। फोर्थ चैप्टर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 6 मार्क्स का है, ए सेक्शन में एमसीक्यू में 1 क्वेश्चन मिलने वाला है, 5 मार्क्स का है, डी सेक्शन आपका उसमें 1 क्वेश्चन मिलेगा। इस तरीके से टोटल जो क्वेश्चन मिलने वाले हैं इसमें 2, इसमें ऑप्शन मिलेगा उसमें से एक करना होगा, तो वर्ड प्रॉब्लम के जो भी क्वेश्चंस हैं फोर चैप्टर से आप अच्छे से कर लीजिए। बात करते हैं हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, 6 मार्क्स एमसीक्यूज के 2 क्वेश्चन मिलेगा और एक जो कि ए सेक्शन हो गया और एक ई सेक्शन में जाएगा, ई जो केस स्टडी वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो उसमें एक क्वेश्चन बनेगा आपका, 4 मार्क्स का ये हो जाता है और 2 टोटल क्वेश्चन आपके जो 3 क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं हम ट्राइंगल में, 9 मार्क्स का चैप्टर है, सबसे ज्यादा वेटेज यही चैप्टर रख रहा है। ए सेक्शन में एमसीक्यूज 2 क्वेश्चन मिलेंगे, बी सेक्शन जो कि 2 मार्क्स का है 1 क्वेश्चन यहाँ मिल गया, डी सेक्शन है जो कि 5 मार्क्स एक क्वेश्चन यहाँ मिल गया। टोटल जो क्वेश्चंस मिलने वाले हैं इस चैप्टर से वो मिल रहे हैं आपके 4 क्वेश्चन। कोणीय ज्योमेट्री जो है आपकी 6 मार्क्स की, एमसीक्यूज में 2 क्वेश्चंस मिल जाएगा और एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, 1 क्वेश्चन होगा। टोटल जो क्वेश्चंस की हम बात करें टोटल क्वेश्चंस आपके 3 हो रहे हैं। अब बात करते हैं 8 जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री है, 7 मार्क्स है। करते हैं ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में टोटल जो मार्क्स है आप एमसीक्यूज में 2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं उसमें 1 क्वेश्चन मिलेगा और आपका सी सेक्शन जो की 3 मार्क्स का है उसमें भी 1 क्वेश्चन मिलेंगे, तो टोटल क्वेश्चंस की अगर हम बात करें 4 होंगे। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वो टोटल 5 मार्क्स कवर कर रहा है, तो इसमें केवल और केवल 1 क्वेश्चन मिलेगा वो भी डी सेक्शन में, 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन इसमें मिल रहा है, जैसा कि ब्लूप्रिंट कह रहा है। वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन इसमें आने के चांसेस, वर्ड प्रॉब्लम ही उसे एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन के अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। अब चलते हैं 10 चैप्टर जो आपका सर्कल्स है, 6 मार्क्स कवर कर रहा है आपका 10 चैप्टर और क्वेश्चन जो मिल रहे हैं एमसीक्यू में 1 क्वेश्चन, 2 मार्क्स ऑप्शन ए हो गया, सेक्शन बी में भी 1 क्वेश्चन और सेक्शन सी जो आपके 3 मार्क्स का है उसमें भी 1 क्वेश्चन। इस तरीके से टोटल क्वेश्चन जो मिलने वाला है 3 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 11 की तरफ, टोटल 6 मार्क्स कवर कर रहा है बोर्ड से, 2 क्वेश्चन मिलेगा एमसीक्यूज में, 2 क्वेश्चन होंगे और एक केस स्टडी बेस हो गया, तो टोटल 4 और 2 6 मार्क्स का क्वेश्चन। 12 जो है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसके टोटल 5 मार्क्स है, 2 क्वेश्चन तो आपके एमसीक्यूज में जो कि सेक्शन ए कहलाता है, सी सेक्शन 3 मार्क्स का है, एक यहाँ होगा, टोटल वो हो गए 3 क्वेश्चन। फिर आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 13 की तरफ, 13 जो आपका है स्टैटिक्स वो कवर कर रहा है आपके 6 मार्क्स, एमसीक्यू जो है आपका 1 क्वेश्चन और 5 मार्क्स का जो आएगा जो आपका डी सेक्शन का 1 क्वेश्चन, क्वेश्चन जो कवर हो गया आपके 2 और 6 मार्क्स का ये चैप्टर हो गया स्टैटिक्स। ठीक है, अब आखिरी जो चैप्टर है आपका प्रोबेबिलिटी कवर कर रहा है 5 और एमसीक्यूज में आ रहे हैं आपके 2 क्वेश्चन, 3 मार्क्स में आपके आ रहा है 1, तो इस तरीके से टोटल क्वेश्चन आपके हो गया 3। तो आप इस ब्लूप्रिंट को दिमाग में रख के तैयारी करेंगे कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के आ रहे हैं, जो कोई चैप्टर आपका क्लियर हो गया तो आपके कितने मार्क्स आपकी जेब में जा रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में वापस मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।